नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को इन दोनों के बारे में डिफरेंस नहीं पता होगा। सबको सुना होगा, जो भी हमारे जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें आईपीसी की इस धारा के तहत ये सजा हो गई, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो ये आईपीसी और सीआरपीसी हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं, बट मतलब हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों का मतलब अच्छे से जानने वाले हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाइस, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली चीज़ दोस्तों जो मन में आती है कि आईपीसी और सीआरपीसी है क्या। अब दोस्तों आपके सामने लिखा है, देखिए मैंने आईपीसी की जो फुल फॉर्म है, इट्स इंडियन पीनल कोड। आईपीसी को आप क्या कहते हो, इंडियन पीनल कोड। अगर आगे देखें तो 1816 था, समझ गए होंगे आप, 1860 में ये कानून बना था। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता। अब दोस्तों देखिए, इसमें कितने सेक्शंस हैं, यानी कितनी धाराएं, जो आपने सुनी होगी धारा, ये धारा 420, ये सारी धाराएं हैं 511। अब दोस्तों धारा यानी सेक्शंस होते क्या है, इन्हें आप कहते हो धाराएं कहते हैं दोस्तों। आप लगातार जो संख्याएं, लगातार जो नंबर है 1, 2, 3, 4, इन्हें आप धाराएं कहते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं इसमें चैप्टर्स कितने हैं, यानी कितने अध्याय हैं इस आईपीसी में। दोस्तों 23। ठीक है, सेक्शंस कितने हैं, 511, चैप्टर्स हैं आपके 23। अभी आगे जाके और डिटेल में समझेंगे, अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है आईपीसी का। ठीक है, अब सीआरपीसी क्या है, सीआरपीसी की फुल फॉर्म देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नाम से क्लियर है, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया है। तो इसे हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आपके दो लॉज हैं आईपीसी और सीआरपीसी, इन दोनों को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट्स में, जो हैं आपके सब्सटेंटिव लॉ, जिसे आप कहते हो मौलिक कानून, और प्रोसीजरल लॉ, जिसे आप कहते हो प्रक्रिया कानून। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों लॉज को भी, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल को भी, फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, जो है आपका सिविल और क्रिमिनल। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आईपीसी और सीआरपीसी दोनों आपके क्रिमिनल लॉज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से आईपीसी आपका एक सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी आपका एक प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने जान लिया, इसका एक ओवरव्यू आईपीसी और सीआरपीसी का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आईपीसी दोस्तों क्या करता है, आईपीसी हमें अपराध की परिभाषा बताता है और कितनी सज़ा होगी ये बताता है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि अपराध की परिभाषा क्या होती है। अब ये मैं आपको बेहतर समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों, पांच लोगों ने मिलकर एक आदमी को सड़क पर जो है लूट लिया, उसकी घड़ी निकाल ली और जो है उसकी चेन निकाल ली, उसका पर्स निकाल लिया, तो अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या खबर छपती है कि पांच लोगों ने मिलकर एक आदमी को लूटा, राइट। तो क्या ये दोस्तों लूट है? इसी तरह दोस्तों अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ और कहूँ कि दो लोगों ने मिलकर रात के समय बैंक का ताला तोड़कर बैंक से 1 करोड़ रुपये निकाल दिए, अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या खबर छपेगी कि दो लोगों ने मिलकर करी बैंक में डकैती, तो क्या ये दोस्तों डकैती है? इन दोनों ही एग्जाम्पल्स के जवाब हैं दोस्तों नहीं। ना ही जो पांच लोगों ने मिलकर एक आदमी को लूटा वो लूट है, और ना ही जो दूसरे केस में दो आदमी ने मिलकर बैंक से 1 करोड़ रुपये निकाले वो डकैती है। दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको जानने के लिए, परिभाषा, जुर्म कौन सा हुआ है, अपराध कौन सा हुआ है, इसके लिए हमें आईपीसी को देखना पड़ता है। तो आईपीसी ये कहता है दोस्तों, पांच लोग मिलकर अगर कहीं लूट करते हैं तो वो लूट नहीं बल्कि डकैती है, और इसी तरह दोस्तों दो लोग मिलकर कभी भी डकैती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आईपीसी ये कहता है कि डकैती के लिए मिनिमम पांच लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जैसा मैं कहूँ कि डकैती में जो मेन जो एलिमेंट होता है वो होता है किसी को डराना, धमकाना, थ्रेटनिंग करना। तो वो जो सेकंड केस मैंने आपको बताया, तो उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि उन्होंने रात में ताला तोड़कर बैंक से 1 करोड़ रुपये निकाले, तो वहाँ पर किसी आदमी को डराया, धमकाया गया, किसी को थ्रेटनिंग दी गई नहीं दोस्तों। तो ये क्या हुआ, डकैती भी नहीं हुई। तो लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली कहीं से ले जाते हो तो वो डकैती नहीं, चोरी होती है। तो बैंक में क्या हुआ था, बेसिकली चोरी हुई थी। अब यही काम मान लीजिए दोस्तों अगर दिन दहाड़े होता, और मान लीजिए बैंक में दो लोग घुसते और किसी मैनेजर या कैशियर को बंदूक की नोक पे या चाकू दिखाकर वहां से पैसे ले जाते,
तो क्या होता है, ये होती लूट अगर दो बंदे होते। अगर यही पांच लोग करते दिन दहाड़े, किसी को जो है डरा धमका के कैशियर को मैनेजर को बैंक से पैसे ले जाते, तो वो होती आपकी डकैती। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी धाराएं हमें आईपीसी में मिलती है। आई होप इसे आप समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए क्या हुआ, जुर्म की अपराध की परिभाषा हमें आईपीसी ने दे दी। अब उसे कितनी सज़ा होगी ये भी हमें आईपीसी बताएगा। अब जैसा कि अगर मैं बात करूं तो जो चोरी की सज़ा है वो है धारा 379, सेक्शन 379 ये कहता है कि अगर चोरी करी है किसी ने तो उसके लिए उसे 3 साल की सज़ा और कुछ रुपए जुर्माना भी हो सकता है। अब दोस्तों अपराध हो गया, उसकी सज़ा हमें पता चल गई कितनी होगी। अब जो दोस्तों प्रोसीजर होगा, क्योंकि हम आईपीसी को पढ़ के तो किसी को सज़ा नहीं दे सकते, अब उसका एक प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से जो है क्या क्या जो है वकील के काम होंगे, कैसे कैसे पुलिस क्या काम करेगी, कब जो है जिसने चोरी करी है, जिसने डकैती डाली है, उसको कब गिरफ्तार, किस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, कब वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या जो है पुलिस के काम होंगे, क्या मजिस्ट्रेट के काम होंगे, क्या एक वकील के काम होंगे। तो दोस्तों ये सारा जो प्रोसीजर है, जितना प्रोसीजरल काम होता है, ये हमें मिलता है सीआरपीसी में, जो जिसका नाम है दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आईपीसी क्या कर रहा है, आपको जुर्म की परिभाषा, कौन सा जुर्म हुआ और उसकी कितनी सज़ा है। अब दोस्तों जुर्म होने के बाद जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया चलेगी, वो चलेगी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये ही डिफरेंस है आपका आईपीसी और सीआरपीसी। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। आई होप दोस्तों आपका इन दोनों वर्ड्स के बीच में, इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।